सरकार तो धनाधन घोषणा किए जा रही है। कहाँ सब झूठा ऐलान है सर, बड़े लोगों के लिए सब कुछ है, गरीब को तो ऐसा है जैसे नोटबंदी में जनता मारी घिरी तो वो भी गरीब, इसी प्रकार से अभी ये काम बंद हुआ है, लॉकडाउन हुआ, वो गरीब को परेशानी है, बड़े लोगों को कुछ ना, बड़े लोगों को तो घोषणा की है सरकार। अरे सब झूठा है, झूठी अफवाहें हैं सब, तो झूठी अफवाहें तो आज से हो सकता था मिलने का। हम लोग को सर कहीं कुछ नहीं मिला, एक रुपए का किसी ने वो नहीं दिया हम लोग को। नमस्कार, मोबाइल न्यूज 24 में आपका स्वागत है, मैं हूं मानवेंद्र और अभी आपको दिखा रहे हैं आनंद विहार का यह इलाका जहां पर काफी लोग खड़े हैं जो कहीं ना कहीं जाना चाह रहे हैं। आप लोग कहां जाना चाह रहे हैं? यूपी। कहां? यूपी। कहीं व्यवस्था है नहीं बस उसका, तो कैसे जाएंगे? देख रहे हैं बस जाएगा तो जाएंगे नहीं। आप कहां जाएंगे? कहां जाना है? गोरखपुर। लेकिन यहाँ पर कुछ खाने की व्यवस्था की गई है, काफी लोग हैं यहाँ पर आनंद विहार में। हम आइए, लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे इतने लोगों का खाना, कितने लोगों का आप खाना खिला पाएंगे? सर 200 आदमियों का खाना है। खाना है, खिला देंगे सबको 200 के लिए लेके आए हैं। अच्छा, कौन कोई संस्था है या अपने ओर से कर रहे हैं? कोई संस्था नहीं। चलिए, लेकिन बचाव रखना जरूरी है, दूरी बनाए हुए हैं लोगों से। जी, आप लोग कहाँ जाना है? बरेली जाना है। कैसे जाएंगे? पैदल जाएंगे। जी हाँ, गोरखपुर जाना है 3 दिन से भूखा हूँ। हाँ, लेकिन दूरी बनाए रखें क्योंकि अभी भी ऐसे कोरोना है कि आपको दूरी बनाए रखना है। गुड़गांव से आया हूँ, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। 6 बजे। हाँ, 6 बजे का हम लोग को गोरखपुर जाना है। गोरखपुर जाना है, पानी भी नहीं है, पानी भी नहीं है, लेकिन बारिश हो रही है लेकिन पीने का पानी नहीं है। और ये खास बात है, और देखिए जिस प्रकार से कुछ लोग स्वयं सेवी संस्था जैसे नहीं बल्कि खुद चल के आके उन्हें सेवा दे रहे हैं कि किसी ने किसी से कोई भूखे ना। जी हाँ, राजस्थान से आए हैं, पैदल चल के आए हैं, जब जाके पहुंचे हैं। हाँ हाँ, राजस्थान से आए हैं। 3 दिन से। कहाँ जाना, कहाँ है? गोरखपुर जाना है। ओहो, सबको गोरखपुर जाना है, तो पता नहीं था कि बस नहीं चल रही है। पता तो है, कैसे जाएंगे? बस चलेगी, जो रास्ते फंसा उसको बाहर करिए, मतलब घर तक पहुँचाइए। जी हाँ, ऐसे तौर पर आपको बच के रहना है। कहाँ फिर कैसे लौटेंगे, आएंगे फिर स्कूल लेगा तो बताएगा सर? क्या होगा? बिल्कुल नहीं बता सकते हैं कि आएगी नहीं, लेकिन लोगों का ये देखिए, अभी कुछ लोगों को खाना भी खिलाया जा रहा है, 200 लोगों का खाना इनके पास है। यहाँ आप देखिए, खास तौर से आपको कहाँ जाना है? कानपुर जाना है, गाड़ी 2 दिन से पड़े यहाँ, गाड़ी नहीं, कानपुर जाना है सर। कोई गाड़ी नहीं है, हजारों लोग आ गए हैं करीब, नहीं सुबह से काफी लोग। कहाँ रात में कहाँ थे? रात में कहाँ थे? रात में यही थे सर, यही पड़े थे, यहीं पर बैठे थे। बिल्कुल, और काफी ये विभस का रूप है जो। हाँ, आपको कहाँ जाना है? अल्मोड़ा जाना है। अल्मोड़ा, उत्तराखंड। अल्मोड़ा जाना है, तो कैसे जाएंगे? बस की व्यवस्था करेंगे, बोल रहे हैं। उत्तराखंड के हैं आप? हाँ। जी हाँ, कहाँ काम करते हैं? जयपुर से आया हूँ। जयपुर से आए हैं, काफी लोग राजस्थान से। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। जी, दिल्ली से। दिल्ली से आपको कहाँ जाना है? यूपी। यूपी में कहाँ? लखीमपुर। लखीमपुर जाना है, लखीमपुर खीरी। जी हाँ, बसेस भी नहीं चल रही है, ऐसे में आपको कहाँ जाना है? गोरखपुर। गोरखपुर कैसे जाएंगे? हम आ गए हैं कल, जोगी जी का भाषण। कहाँ से आए हैं आप? हम गुड़गांव से आए हैं। गुड़गांव से आए हैं, आपको कहाँ जाना है? सर मैं गुड़गांव से आया हूँ, कभी सुबह से इतना टाइम हो गया, अभी हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं है। ये सरकार जो क्या कह रही है, क्यों कह रहे हैं कि फल्ली दिला रहा हूँ आपको, बस दे रहे, बस मिलेगा, बस मिलेगा सर, सुबह शाम हो गया, बस नहीं मिला, बसेस नहीं मिले, बसेस पूरी तरह से बंद है। और यही कारण है कि लोग यहाँ पर जूम बनाए हुए हैं कि आखिर किस तरह से कहाँ जाया जाए। चलिए और लोगों से बात करते हैं, आपको कहाँ जाना है? गोरखपुर। कैसे जाएंगे अब आप? क्या करूं सर, यहाँ फंसे पड़े हैं। तो आपको पता नहीं था कि बंद है सारा? बंद है सर, क्या करूं, मेरे रोजगार था। अच्छा, कहाँ, यहीं पर रहते थे? नहीं, हम लोग वहाँ से हरियाणा से आए हैं। हरियाणा से, कहाँ से? पैदल आया हूँ। पैदल से आए हैं। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर हरियाणा, गुड़गांव और कई ऐसे जयपुर ऐसे। आप कहाँ से आए हैं जी? क्या, कहाँ से आए हैं आप, कहाँ जाएंगे? हरियाणा से आए, गोरखपुर जाना है। गोरखपुर जाना है, कैसे जाएंगे आप? कैसे जाएंगे सर, अभी सरकार सोचेगी तो उसके अनुसार आप लोग यहाँ गुहार लगा रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, काफी लोग हैं। आपको कहाँ जाना है? सर हमको जाना है आजमगढ़। आजमगढ़ जाना है, कैसे जाएंगे? अब सर कोई सुविधा नहीं मिल रहा, बहुत लोग तो पैदल ही निकल गए, क्या करें सर, कोई व्यवस्था तो करेगा जनता। जी हाँ बिल्कुल, क्या व्यवस्था करेगा ये देखने, बच्चे भी हैं। आपको कहाँ जाना है, बाबू कैसे जाओगे? पैदल जाओगे तो मम्मी की याद आ रही होगी, नहीं मम्मी के पास जाना है? यही रहते थे, यही पढ़ते थे? कहाँ रहते थे? मंडावली में रहते थे। ओहो, चलिए आपको कहाँ जाना है? आजमगढ़। यहाँ तो देखिए ऐसे, यहाँ पर हजारों लोगों की हुजूम बढ़ चुका है खास तौर से, और हम बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि ये लोगों की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, आखिर कहाँ जाए और कहाँ रहे। और यही कारण है कि सब एक सवाल उठ रहा है कि अगर सरकार ने बंद किया है और कितने दिन बंद रहेंगे, इसके लिए सबके मन में अभी भी असमंजस है।
और यही कारण है कि लोग बता नहीं पा रहे हैं कि आखिर कैसे वो कैसे जीवन यापन करेंगे। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? झांसी। कैसे जाएंगे? पैदल जाएंगे। कितने लोग हैं आप लोग? हाँ, तो कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली। अच्छा, मौरी गेट से आ रहे हैं और आप लोग झांसी जाना चाह रहे हैं और पैदल जाएंगे आप लोग? एक मिनट रुक जाइए, जरा बात कर लें। क्या आपको लगता है कुछ व्यवस्था नहीं की है सरकार? कोई व्यवस्था नहीं है सरकार। कुछ नहीं, कैसे तो फिर कैसे जाएंगे? पैदल जाएंगे, रुकेंगे कहीं? खाना पीना खाएंगे कैसे जाएंगे ऐसे? कितने लोग हैं आप लोग? 40 हैं। बच्चे भी हैं? बच्चे लोग सबको पैदल ले जाएंगे? तुम भी जाओगे? ओहो, बिल्कुल। और क्या, कहाँ रहते थे आप लोग? हम रहते थे मौरी गेट। मौरी गेट में वहाँ काम करते होंगे? हाँ जी। क्या जी काम करते थे? जी मजदूरी करते थे। अच्छा, लेकिन अब जाना पड़ रहा है सबको। चलिए, आप लोग बहुत लोग हैं, निश्चित तौर पर आप जाएं। कब तक पहुँचेंगे, कुछ अंदाजा है? 8 दिन में। ओहो, आपको लग रहा है कि 3 महीने तक बंद हो जाएगा? कितने दिन बंद रहेगा? 14 तारीख तक। चलिए, लेकिन बारिश भी हो रही है, काफी कठिनाई होगी आप लोगों को? सब झेल लेंगे। जी हाँ, चलिए चलिए, आप लोग बिल्कुल जाइए। हम आप सब बच्चे रो रहे हैं घर पर, छोटे छोटे। ओहो, निश्चित तौर पर। आपको कहाँ जाना है? हमको सर झांसी जाना है, लेकिन हम तो सरकार से ये कहना चाहते हैं कि गरीब लोग को बड़ा दिक्कत है। हाँ, क्योंकि सर वाहन है तो बड़े लोगों के लिए तो वाहन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। हाँ, लेकिन हाँ, गरीब को ना तो वाहन वाले बैठा रहे, ना ही कोई घर जाने का सुविधा मिल रहा, ना ही यहाँ खाने पीने का सुविधा। सर तो धनाधन सरकार तो धनाधन घोषणा किए जा रही है। कहाँ सब झूठा ऐलान है सर, बड़े लोगों के लिए सब कुछ है, गरीब को तो ऐसा है जैसे नोटबंदी में जनता मारी घिरी तो वो भी गरीब। इसी प्रकार से अभी ये काम बंद हुआ है, लॉकडाउन हुआ, वो गरीब को परेशानी है, बड़े लोगों को कुछ ना, बड़े लोगों को घोषणा की है सरकार। अरे सब झूठा है, झूठी अफवाहें हैं सब, तो झूठी अफवाहें। हम लोग को सर कहीं कुछ नहीं मिला, 1 रुपए का किसी ने वो नहीं दिया हम लोग को। खाने उने के लिए व्यवस्था कुछ भी 1 रुपए का नहीं दिया, नहीं तो हम लोग को कोई शौक ना है। आप कहाँ रहते थे? हम कश्मीरी गेट में रहते थे सर। चलिए ठीक है, आप कहाँ जा रहे हैं? इन्हीं के साथ हैं आप? झांसी जा रहे हैं? तो बीच में रुकेंगे कहाँ? खाना पीना कहाँ होगा सर? जहाँ होगा तो होगा, ना होगा तो क्या करेंगे सर? तो पैदल चले जाएंगे। ओहो, चलिए बिल्कुल। लेकिन सरकार घोषणा है कि उसका कोई असर नहीं मिलेगा, फायदा नहीं मिलेगा? अरे क्या मिलेगा सर, जब वहाँ पर रात और दिन काट दिए तब तो कुछ नहीं मिला, क्या मिलेगा सर गली में? जी हाँ, अभी हम हैं NH24 पर। यहाँ पर देखिए, काफी लोग अभी अपने घरों की ओर जाने के लिए हैं, लेकिन उन्हें कोई सवारी नहीं मिल रहा होगा, इसीलिए ये लोग पैदल ही जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हमारी सवार जा रहे हैं घर। कहाँ 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 जा रहे हैं आप? लखनऊ। लखनऊ जाएंगे पैदल? पैदल लखनऊ जाएंगे आप? लखनऊ जा रहे हैं। आप भी पैदल? एक मिनट, बात पैदल नहीं, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं, सब लखनऊ जा रहे हैं। ये काफी लोग हैं जो दैनिक मजदूरी का भी काम करते होंगे और कहीं भी काम करते होंगे, ये लोग अब किसी भी तरीके से अपने घर पहुंचना चाहते हैं, और यही कारण है कि ये लोग अब अपने घर पैदल ही यहाँ से दिल्ली से निकल चुके हैं। NH24 पर अभी आपको हमने दिखाने की कोशिश की। जी हाँ, पूरा रोड सुनसान है, लेकिन यह लोग अपने घरों की ओर जा रहे हैं पैदल, लखनऊ जाने की ओर जारी है इनका। मोबाइल न्यूज 24 के लिए मानवेंद्र, नमस्कार।